Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Antika Badar. Today I am going to discuss about the various questions related to D7 to D18 topic. जो हमने कवर किया है डे 7 से लेके डे 18 तक के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे बहुत फास्ट. सारे बच्चे ज्वाइन करें, है ना. अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, जिससे अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए. साजिद, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्कार, आदाब, शश्याकार, खुशामदीद, सत्यमेव जयते, राम राम. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों. ब्रह्मन गर्ल, गुड इवनिंग एसकेटी, गुड इवनिंग एसकेटी. ये बच्चे की डिमांड है कि सर एक बार रिवीजन रखा जाए, मैराथन बहुत जल्द रखेंगे बेटा. गुड इवनिंग टू ऑल. अमरा बाबर, वालेकुम सलाम, आ जाइए बच्चों बहुत फास्ट. अशद अहमद, हाय, हेलो, हाय हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, लव यू सर, थैंक यू. आ जाइए बच्चों, आइए, आपका इंतज़ार है, है ना. तो शुरुआत की जाए, सभी लोग आ चुके हैं क्या. शुरू करें लेक्चर को. आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं. मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं. आलम खुर्शीद सर, आप बैक ब्लैक हो गए. हाँ, लाइटिंग बेटा एक्चुअल में ऑफ कर दी गई है, इस वजह से बस आपको ऐसा लगे कि मूवी थिएटर की तरह है. वन डे रखो पूरी बायोलॉजी का क्वेश्चंस 10,000. बिल्कुल बेटा, क्वेश्चंस रखे जाएंगे. एक एनसीईआरटी हम लोग आजान हो रही है क्या सर. जी जी बेटा, हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर लें, एक एनसीईआरटी 11th की ख़त्म कर लें, फिर हम लोग जो है 22 चैप्टर हैं, 100 क्वेश्चंस रखेंगे, 2200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं. ठीक, जुनून क्रैश कोर्स लास्ट प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों विद डॉक्टर हैदर सर के साथ, है ना. आपको जो भी नोट्स चाहिए बेटा, सारे हमारे जो है आप इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट को फॉलो करें टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पे भी फॉलो करिए आप लोग, और इंस्टा पे भी फॉलो करिए, और हमारे इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बाकी तो सारे टीचर को सभी लोग जानते हैं, है ना. चलिए, मैदान बैच शुरू हो चुका है बच्चों. 6 डेज हो चुके हैं, 1 वीक कंप्लीट हो चुका है मैदान बैच में. 1 वीक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी में बच्चों कवर किया जा रहा है, और जिसकी फ़ी जो है 3499 रखी गई है, जिससे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हाई फ़ी, वो सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं और नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं. माँ बाप का नाम और अपने विलेज का नाम भी रोशन कर सकते हैं, ठीक है ना. ये बेस्ट मौका है उनके लिए. अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम से. जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों उनको देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग आंसर करिएगा प्लीज़. आप लोग भी, क्योंकि थ्योरी पढ़ा चुके हैं हम. कौन सा होता है, चलिए बताइए बेटा. थैंक यू, आ जाइए बताइए. विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच एमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स. एक्वेटिक, एक्वेटिक भी हो और मैमल भी हो, ठीक है ना. बताइए बच्चों, सील्स, डॉल्फिन, ठीक है, शार्क नहीं है. डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन नहीं है. ट्राइगन स्टिंगरे, है ना. वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ये बच्चों क्या हैं,
मैमल है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? वन का थर्ड। बहुत फास्ट रिप्लाई करिएगा, ठीक है ना, बहुत फास्ट आप लोग। फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। चलिए, एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसी वजह से तो निकाल दिया गया था ये, ठीक है ना। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जबकि डॉर्सल फेयरिंग्स विद गिल स्लिट्स, क्या होता है बच्चों? सेकेंड का भी क्या होगा? थर्ड, फेयरिंग्स विद गिल स्लिट्स। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, विद फ्लैजिलेटेड सेल्स आपने देखा था, इस तरीके से हमने डायग्राम में बनाया था, फ्लैजिलेटेड सेल्स, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा था यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते थे कोइनोसाइट्स, और क्या कहते थे बच्चों? कोइनोसाइट्स और कॉलर्स, इस तरीके से याद आ रहा है बच्चों सभी को? कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल, यानी अभी तक देखिए सी सी ऑप्शन हुआ है सही ना। और ब्यूटी बोन, कॉलर बोन किसे कहा जाता है बच्चों? कॉलर बोन किसे कहा जाता है? कॉलर बोन हम लोग बोलते हैं, बताइए, क्लेविकल को बोलते हैं बच्चों, क्लेविकल को बोलते हैं, और इसी कॉलर बोन को भी हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटी बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना? कह रहा है विविपेरस मैमेलिया, विविपेरस मैमेलिया, कह रहा है कि हैव अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जा कॉर्डेटा, थ्री चैम्बर हार्ट विद वन कंप्लीटली डिवाइडेड इंटू वेंट्रिकल्स, एंड फोर्थ इज कार्टिलेजिनस इंडो स्केल्टन। कौन सा जाएगा बेटा? कार्टिलेजिनस इंडो स्केल्टन कॉन्डिक थीज में पाए जाते हैं। कॉन्डिक थीज खतरनाक होती हैं, है ना, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये इसमें बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अंदर क्या एब्सेंट होता है बच्चों? कॉन्डिक थीज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, है ना, ऑपरकुलम भी नहीं पाया जाता है, यानी गिल कवर भी एब्सेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ का फोर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स और मैमल शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है बच्चों ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, लंग्स का यूज कौन कौन कर रहे हैं बच्चों? बर्ड, मैमल एंड रेप्टाइल्स, एंड बच्चों रेप्टाइल्स, ठीक है ना, विविपेरिटी। अब बताइए बच्चों, बर्ड्स जिसके कान नहीं दिखते वो क्या होता है? एग लेइंग होता है, है ना, जिसके कान दिखते हैं वो बर्थ टू यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को क्या करता है? जन्म देता है, बर्थ टू यंग वंस। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट? विविपेरिटी। वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, क्या होते हैं बच्चों? वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेटर भी होते थे, याद आ रहा है, ये रेगुलेटर भी होते हैं, है ना, क्लियर। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोड का फीचर्स नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशंस, आओ अब काटें, याद आ रहा है बेटा, आओ अब काटें। पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडिजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, पैरापोडिया कहाँ पाया जाता है? यही नहीं है, पैरापोडिया पाया जाता है बेटा तैरने के लिए किसमें? एनेलिडा के मेंबर में, है ना, क्लियर। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मैमल्स आर विविपेरस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लेटिपस, प्लेटिपस जिसको हम लोग कहते हैं, और नीथो
और निथो रिंकस, और निथो रिंकस। अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, अब ये स्टेटमेंट बेटा सही हुआ है ना। कह रहा है कि ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पेस जा एंड पेयर्ड फिन्स। तीसरा कह रहा है ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट, ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट ठीक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल ठीक, ऑल फिशेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम, जबकि ऐसा क्या है नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही होगा सेवन में, बी ऑप्शन, कौन सा सेकंड ऑप्शन। चलिए बताइए, मैच दी मैच करिए फटाफट, बहुत ही आसान है बच्चों। फैमिली मैच दी हाउस फ्लाई ठीक है, एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शंस। फैमिली डिप्टेरा, हाउस फ्लाई, ऑर्डर ऑर्थोपोडा, गलत फैमिली क्या हो जाएगी, क्लास इसका इंसेप्टा, तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर, तो थर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी लिखना था ना, तभी मिला लोगे तुम लोग। सी सी का फोर, सी का फोर, सी का फोर, यानी बेटा ये ऑप्शन इन ये तो गलत हो गए ठीक है ना। फाइलम कौन सा होगा, आर्थोपोडा, यानी हो जाएगा डी का सेकंड, डी का सेकंड, कौन सा हो गया पहला हो गया। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कह रहे हैं हैदर से बहुत स्लो कर रहे हैं। चलो बॉडी हैविंग मेजर ऑफ द सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइंड विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल्स एंड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट एट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कौन सा जाएगा बच्चों, सिलेंटेटा, पोरीफेरा, मोलस्या, प्रोटोजोआ, कौन सा होगा, पोरीफेरा ठीक है ना। इसमें देखा था फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेट सेल्स पाए जाते थे। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कौन सा होगा बच्चों सेकेंड। मेटाजेनेसिस किसमें होती थी बच्चों बताओ फटाफट, ओवेलिया, ओवेलिया का नाम सुना है, ओवेलिया को हम लोग क्या बोलते थे, सीफर, ओवेलिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ जावलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर हुज अमोनोसीट्स, गलत लिखा है, अमोनोसीट्स लार्वा होता है, अमोनोसीट्स लार्वा ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, यानी ये बात कह रहा है बच्चों साइक्लोस्टोम्स की बात कर रहा है ठीक है ना, साइक्लोस्टोम्स की बात कर रहा है, लेकिन उसमें एग्जांपल पेट्रोमाइसन लैम्प्रेमिक्सिन है, फिश होती है, लेकिन ये जो लार्वा होता है बच्चों ये लार्वा होता है पेट्रोमाइसन का, किसका होता है, पेट्रोमाइसन का लार्वा होता है। तो याद रखना अमोनोसीट्स लार्वा ये किसका होता है, पेट्रोमाइसन का होता है। Which one of the following living organisms completely lack of cell wall? Completely lack of cell wall किसमें नहीं पाई जाएगी cell wall बेटा? अब इसमें तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा जो है एनिमल से बिलोंग करें, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसियाई, इसमें भी cell wall पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गा, सी फैन, गॉर्गोनिया, ये क्या है बच्चों एनिमलिया से बिलोंग कर रहा है, यानी इसके अंदर क्या होगा, नहीं होगा, क्लियर। अगला बताइए, प्लेनेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, क्या होता है बच्चों हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, ट्रू रिजनरेशन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्रू रिजनरेशन बोलते हैं। अमेराइन कार्टिलेजनस फिश डैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ओहो ये तो जनरल नॉलेज के सवाल आ गए हैं, इलेक्ट्रिक करंट बेटा टॉरपीडो लगाओ या ट्राइगन, ट्राइगन स्टिंग रे टॉरपीडो होगा, अभी तक याद नहीं कर पाए हो, मुख्य मारेंगे तुमको। सिलेक्ट दी टैक्सन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज, ठीक है ना, दोनों बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज पाए जाते हैं बच्चों। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों ऑरेलिया जेलीफिश है ना, पॉलिप और एडेमसिया,
किसमें पाए जाते थे? सिलेंटेटा के मेंबर थे। सिलेंटेटा यानी बच्चों निडेरिया, सिलेंटेटा को ही बोलते हैं हम लोग निडेरिया। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक आंसर आप लोग बेटा 15 ऐसे करके किया करिए, थोड़ा सा टाइम जाएगा। 15 का ये है ना निडेरिया। मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है बेटा पेट्रोमाइजन लैम्प्रे मिक्सिन हैगफिश। पेट्रोमाइजन कह रहा है कि इक्टो पैरासाइट होते हैं सम फिशेस के ऊपर, क्लास साइक्लोस्टोम्स के मेंबर होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल है, रेप्टाइलिया है। क्या है इक्थियोफिस बेटा? एम्फीबिया है। लिमुलस किंग क्रैब बॉडी कवर पिसेस है, गलत है। क्या है वो? आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। एडेमसिया रेडियली सिमेट्रिकल पोरीफेरा कह रहा है, जबकि कहाँ का होगा बच्चों? निडेरिया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। 16 का क्या हो जाएगा? चलिए ये बताइए, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम? कौन से एनिमल सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं बेटा? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? कह रहा मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो। बिल्कुल गलत। ठीक अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, ये भी गलत है ना, ये अलग, ये अलग है। प्रांत स्कॉर्पियन लोकस्ट, ये क्या है? आर्थोपोडा के मेंबर है। किसके मेंबर है बेटा? आर्थोपोडा के मेंबर है, नहीं तो यहाँ पे प्लेटी हेलमेंस के मेंबर हैं और एनलिडा के मेंबर हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन। 17 का सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थोपोडा, ये तगड़ा सवाल है, ये देखते हैं कौन बताएगा मुझे, ये कौन बताएगा बताइए? कटल फिश, सीपिया, कटल फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश। इसमें बेटा याद रखना सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। ठीक है ना, ये आर्थो, यहाँ ट्रू फिश नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू फिश, आर्थोपोडा के मेंबर है। ठीक चलिए 19 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से बच्चों मैच कर रही हैं? फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, पिसेस। बिल्कुल गलत। अभी तुमने पढ़ा कि सिल्वर फिश किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का मेंबर। कटल फिश, सीपिया, लोलिगो, स्क्विड, ये किसका मेंबर है? मोलस्का का। यानी गलत। अगला है बच्चों सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये इंसेक्टा। यही सही है बेटा, ये इंसेक्टा के मेंबर होते हैं। अब हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, ये देखो, और सिल्वर फिश अगेन, सीसी फ्लाई। क्या है ये बेटा? पैरासाइट, इससे बीमारी होती है ना इस, तो इसका हो गया। अब बताओ 20 फेरेटिमा इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, किससे बच्चों नरिशमेंट लेता है? इसको हम लोग बोलते हैं फेरेटिमा, क्या कहते हैं हम लोग? अर्थवॉर्म बोलते हैं। और फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, सड़ी गली चीज़ें जब गिरती हैं, लीफ हो गई है ना, डीकेइंग फॉलन लीव, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि तुमने देखा होगा ये क्या खाता है? मिट्टी खाता है। मिट्टी के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसको खा के उसके बाद पॉटी कर देता है, मिट्टी का घर बनाता है। सबने देखा होगा, वो हम कास्टिंग कहते हैं। बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड टू कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। जीनस नेम टू कैरेक्टर्स फाइलम, पाइला एप्पल स्नेल, बॉडी सेगमेंटेड होगी और माउथ विद रेडुला मोलस्का। अब बताओ एस्टेरियास स्टार फिश, स्पाइनी स्किन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पोरीफेरा, इकॉन्डर्मेटा मेंबर है। साइकॉन यानी ये पोरीफेरा की बात कर रहा है, उसमें कैनाल सिस्टम, पोर बियरिंग होते हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी सब सही है। तो गलत क्या हुआ? यही तो पकड़ना है बेटा, ये अनसेगमेंटेड होगा। देखो कितना छोटा सा लिखा है ना, कितना छोटा सा लिखा हुआ है, छोटकू सा लिखा हुआ है। जो नहीं समझा वो गया मोलस्का में, मोलस्का में देखो यू आ रहा है, अनसेगमेंटेड। अगर भूल जाओ सेगमेंटेड, तो मैंने तुम्हें तीन ही बताया ना, आओ अब काटें तो क्यों नहीं तुम सही कर पाओगे। चलिए ये बताइए, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस द एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर, बताइए, विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन, वेरी मच स्मॉल एंड फ्यूअर, न्यूक्लिएटेड विदाउट हीमोग्लोबिन। बताइए बेटा फटाफट जवाब दीजिए,
अगर मैमल की बात हो तो मैमल की क्या हो जाएगी, मैमल के लिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, न्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन, ये ऑप्शन जाएगा। उसके अलावा जो भी होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन, तो कौन सा जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन। कौन सा जाएगा, फोर्थ, फोर्थ मार रहे हैं। ठीक, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। अरे बाप रे, इंसेक्ट। कितने लोग सहमत हैं कि फंजाई, इंसेक्टा। कितने होते हैं बच्चों, 2/3। नेचर ने क्यों बनाया, ताकि पॉलिनेशन झमाझम हो, पॉलिनेशन अच्छा होगा तो भैया जाइगोट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जाइगोट ज़्यादा बनेगी तो एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोडक्शन ओवरऑल ज़्यादा होगा, इसी वजह से नेचर ने ज़्यादा बनाया था। बताइए, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवॉर्म फ्रिटिमा इज दैट, बताइए बेटा। कह रहा है कि टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीज द इफेक्टिव अब्सॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इन द इंटेस्टाइन। सही बात है। एस शेप्ड सीटी इम्ब्रेड इन द इंटीग्रमेंट्स आर द डिफेंसिव वेपन्स यूज्ड अगेंस्ट द एनिमीज। कह रहा है कि इट हैज अ लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स इनसाइड द बॉडी। बताइए 24th का कौन सा बेस्ट ऑप्शन जाएगा बेटा। पहला, टिफ्लोसोल के प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डाइजेशन की वो बढ़ जाती है। ये हो सकता है अर्थवॉर्म से क्वेश्चन ना आए, लेकिन है तो हमने बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट्स इट हैपन काक्रोच। काक्रोच में करेक्टली हैपन्स इन द कॉमन काक्रोच, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, सही है ये। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज यूरिया, बिल्कुल गलत है। पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स निकलते हैं, यूरिक एसिड कहें। फूड इज ग्राउंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। मालफिजन ट्यूबल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कॉलन। बताओ बेटा कौन सा जाएगा 25 का, कोई नहीं बोल रहा है। थर्ड जाएगा, कौन सा थर्ड जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हाइंड लिम में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट इवन सिंगल एक्सेप्शन, विदाउट इवन कौन डेटा। पजिस माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जा, अच्छा। कॉन्डिक थीस हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस। एंड कौन है बच्चों जो ओवीपेरस है, ओवीपेरस, प्लेटिपस, प्लेटिपस का दूसरा नाम और नीथो रिंकस। अब कह रहा है रेप्टाइलिया हैव थ्री चैम्बर हार्ट विद वन कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, जबकि यहाँ पे बच्चों क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर क्या होता है बच्चों, हार्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा 26 का, सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस द नेम इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड, ठीक, टू कैरेक्टर्स, ठीक है। जीनस सेलेमेंडर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एम्फीबिया का मेंबर है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। टेरोपस स्किन हैव हेयर, ओवीपेरस एंड मैमेलिया। टेरोपस क्या है, अगर मैमेलिया कह रहा है तो ओवीपेरस है, क्या हुआ, सही हुआ गलत हो गया। ऑरेलिया जेली फिश, नीडोब्लास्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा। बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा लेवल होता है बताया था बेटा, टिश्यू लेवल होता है। एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड, मेल्स एंड फीमेल्स जिस्टिंग एंड एनेलिडा। बताइए सेगमेंट, एनेलिडा कह रहा है, एकदम गलत हो गया। कौन सा सही जाएगा, पहला ऑप्शन सही है ना, पहला सही है। चलिए 28 बताइए, व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिटी
specify the sex of the following. Male frog copulatory pad on the first digit of the hind limb. जबकि कहाँ होता है? Female cockroach anal cerci. Male shark clasper bears fins. Female ascaris sharply curved. मैंने बताया था male की tail क्या होती है? टेढ़ी. इसमें what will you look for to identify the sex of the following? Male frog में copulatory pad, इसमें तो सभी में फीमेल एस्केरिस शार्पली कर्व्ड कह रहा है, जबकि मेल की टेल क्या होती है? टेढ़ी होती है. मेल शार्क क्लैस्पर बोर्न ऑन द पेल्विक फिन्स, ये भी सही है. फीमेल काकरोच में एनल सरकाई कॉमन मेल में भी होता है. मेल फ्रॉग कह रहा है कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम, जबकि कहाँ होता है? ये फोर लिम पे होता है. ठीक, लेकिन इसमें करेक्ट कुछ मिस है क्या? क्यों बच्चों, कुछ मिस लग रहा है क्या? ये होना चाहिए फोर लिम्ब. यहाँ पे क्या होता है? फोर लिम्ब पे होता है, हाइंड लिम्ब पे नहीं. ठीक ठीक, अगला देखते हैं हम लोग. कह रहे कि वन एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, दोनों की तरह काम करती है. बताइए ये किस में देखा गया था बच्चों? दोनों की तरह, मतलब बोथ माउथ, यानी हम लोग कहेंगे सिंगल ओपनिंग है, ठीक है ना. सिंगल ओपनिंग कहाँ? प्लेटी हेलमेंथियस के मेंबर में. प्लेटी हेलमेंथियस का मेंबर कौन है? फैशियोला लीवर फ्लूक. कौन है? फैशियोला लीवर फ्लूक है, जो क्या है? सिंगल ओपनिंग होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पंजिला लीच डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन इज करेक्ट. ठीक, अब स्पंजिला किसका मेंबर है? फ्रेश वाटर स्पंज है, पोरीफेरा का मेंबर है. किसका मेंबर है? पोरीफेरा का है. लीच सबको पता है, और डॉल्फिन एंड पेंगुइन मैमलिया है. पेंगुइन इज होमियोथर्मिक वाइल द रिमेनिंग थ्री आर पाइक्लोथर्म. क्या ये बात सही कह रहा है? गलत. लीच इज फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल ऑल अदर्स आर मैराइन. स्पंजिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल्ड कोनोसाइट्स नॉट फाउंड द रिमेनिंग थ्री. कौन सा होगा बेटा? थर्ड है ना. कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा. चलिए ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. बताइए ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होंगे? स्पंजेस, टीनोफोर्स, कोरल्स, फ्लैट वॉर्म. डी सी सी हटा दो, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंटेटा, टीनोफोरा. इसके पहले पोरीफेरा है, इसमें कोई जर्म लेयर नहीं पोरीफेरा के अंदर. अब उसके बाद कौन शुरू होता है बताओ? प्लेटी हेलमिंथीस आएगा. प्लेटी हेलमिंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तो कौन सा जाएगा? पहला ऑप्शन, सिंपल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट. राउंड वॉर्म्स एस्के हेलमिंथीज आर स्यूडो सिलोमेट. बताओ भैया, प्लेटी हेलमिंथ ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एस्के हेलमिंथ. क्या ये बात सही कह रहा है? मोलस्क आर ए सिलोमेट, जबकि मोलस्का सिलोमेट्स होते हैं, है ना. इंसेक्ट्स आर स्यूडो सिलोमेट, जबकि ए स्क्वायर महक याद होगा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा सिलोमेट. फ्लैट वॉर्म्स प्लेटी हेलमिंथ आर सिलोमेट, जबकि पापा प्लेटी हेलमिंथ ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट एस के हेलमिंथीस. कौन सा ऑप्शन गया? यही लगा कि हम आगे बढ़ सकते थे. ये पिछली साल भी आया था बेटा, 2020 में यही क्वेश्चन आया था. 2020 में यही क्वेश्चन आया था बच्चों, इसी वजह से आंसर लगाना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन आपको कम से कम 20% क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, ठीक है ना. 20%. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स एंड शो वीवी पेरिटी, ठीक है ना. ये बताओ कौन से में पाया जाता है बच्चों? जो मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं, मार्शी प्लेसेस में पाए जाएं, या हम कहें कि साल्टी एरिया में पाए जाएं, साल्टी एरिया में पाए जाएं, ठीक है ना. तो कौन हो जाएगा बच्चों?
हेलोफाइट्स। क्या होंगे? हेलोफाइट्स, याद रखना। इनकी जो रूट होती है वो क्या होती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। बोगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बताइए। एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड नहीं है तो क्या लगाओगे? स्टेम। नहीं समझे, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का? हाँ, इंडो स्पर्म। पोलाइडी क्या होती है? 3N। स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपिलियोनेशियस फैमिली, पैपिलियोनेशियस फैमिली, यानी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वैक्सिलरी। तो क्या होगा उसमें? वैक्सिलम होगा। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग फंक्शन लीव्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम अगर मॉडिफाइड हो जाए बच्चों, परफॉर्म करने लगे किसकी तरह? लीव्स की तरह, तो हम लोग बोलते हैं फिलोक्लेट्स। क्या बोलते हैं? फिलोक्लेट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेम, ये होमवर्क है कि तीनों चीजें फिलोट्स क्लेडोड, ये तीनों आप एक साथ लिख लीजिएगा। ये होमवर्क दे रहा हूं कि व्हाट इज फिलोट, फिलोक्लेट्स तो पता चल गया, फिलोड और क्लेडोड भी सर्च करके लिख लियो बाबू। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है, जब नॉर्मल क्लास पढ़ाई है उसमें, चाहो तो वो भी देख सकते हो। विच आर दी फॉलोइंग नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशंस नहीं है। थॉर्न्स ऑफ साइट्रस, टेंडल्स ऑफ ककम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंशिया या पिचर ऑफ नेफेंथीस, बताइए बच्चों कौन सा नहीं है? पिचर प्लांट, पिचर ऑफ नेफेंथीस, ठीक है ना। लीफ में पेटियोल होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है। ट्राइकार्पिलरी, सिंकार्पस, गाइनोशियम फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, बताइए। मोनोकार्पिलरी, बाई कार, बताया था फसल, मोनो बाई ट्राई, क्या हो जाएगा? लिलियसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिलियसी। ये बताइए फ्री सेंटर प्रेजेंटेशन, नहीं बता पाए तो एकदम बेकार है फिर, बताइए। पीडीएफ, क्यों पीडीएफ? फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज, कौन सा जाएगा? डायंथस जाएगा, क्लियर। चलिए, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन दी फ्लावर्स ऑफ, रेडियल सिमेट्री का दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक। अब बताओ, अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई है, चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है, चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है, कोई नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा, ब्रासिका हो गया। अब इसमें देखो, तुम फैमिली में जाओ कि कौन सी फैमिली के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है ना? बताओ कौन सा हो जाएगा बच्चों? ब्रासिका, मस्टर्ड वाली, ठीक। नाइन का पहला, हाउ मेनी प्लांट्स बिलोंग्स टू, ये तगड़ा सवाल है। इंडिगो, फेरा सिस्वानिया, साल्विया, एलियम, एलॉय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम, टर्निप हैव स्टेमेंस विद डिफरेंट लेंथ इन दियर फ्लावर्स, स्टेमेन में क्या होगा बच्चों? डिफरेंट लेंथ पाई जाएगी। ये सवाल जो है, ऐसे सवाल पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, ठीक है ना? पहले सवाल ऐसे आते थे, तो बताओ फटाफट कौन कौन से होंगे इसमें बच्चों? अब तुम जाओ फेबेसी फैमिली में, कौन सी फैमिली में? फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली के कौन कौन से एग्जांपल हैं इसमें? इंडिगो फेरा है, सिस्बानिया है। फेबेसी फैमिली में देखो, ग्राउंडनट, ठीक, इंडिगो फेरा, सिस्बानिया और ग्राम, ठीक। कितने हो गए? चार, क्लियर। फोर्थ ऑप्शन। बेटा ऐसे सवाल अब नहीं आते हैं, अगर आ गए अगले साल तो फिर घूम जाओगे, वहीं छटपटाओगे कि क्या करें अब।
थर्मोपोलियाडेल्फस रिलेटेड टू, बताइए मोनोडेल्फस पोलियाडेल्फस, मोनो चाइना किसमें पढ़ा था हम लोगों ने, एंड्रोइशियम मेल के लिए, मोनू चाइना के डान पे पॉली सड़ी, मोनू मोनोडेल्फस सेनेरोज, ठीक है ना, डायडेल्फस पे पी पॉलीसिडिक, पॉलीडेल्फस साइट्रस। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी हम लोग कह सकते हैं क्या डाइओशियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक, कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन यानी ककम्बर। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, बताइए रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब बताओ सनफ्लावर पिस्टिया पी वीट, इसमें तुम्हें ढूंढना है एक्वेटिक प्लांट, क्या ढूंढना है, एक्वेटिक प्लांट ढूंढो, कहाँ पे है एक्वेटिक प्लांट, कौन है बच्चों, पिस्टिया है एंड इकॉर्निया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्लांट बच्चों, ऐसे प्लांट जिनका क्या है पानी में पाए जाते हैं, उनके रूट सिस्टम कम डेवलप बनाए गए थे, है ना, यही तो किया था नेचर ने। चलिए एग्जाइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंटिंग मुस्तफा चाइना से टमाटर नींबू एग्जिट कर लो, नींबू कहाँ है, ठीक, मुस्तफ़ा चाइना से टमाटर नींबू एग्जिट कर लो। चलिए ये बताइए एमंग चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल टोमेटो गुआवा ककम्बर अनियन ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओरी, क्या बताया था, सुपर मच ब्रिंजल सुपीरियर ओरी, मस्टर्ड हो गया बच्चों और क्या हो गया, चाइना रोज हो गया और हो गया ब्रिंजल, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा बताओ फटाफट, तीन है बताइए, प्लेसेंटा एंड पेरिका बोथ आर एडिबल पोर्शन इन, किसमें तुम सब खा जाते हो, टोमेटो, क्या होगा बच्चों, टोमेटो। व्हेन मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन एनोदर विदाउट एनी ओवरलैप वन एनोदर विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, देखो पहला तो क्या था कि जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है ना, उसके बाद क्या था कि टच करेगा, ठीक, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जस्ट टच बट नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसका इम्ब्रिकेट, क्या होगा, इम्ब्रिकेट, तो कौन सा होगा ऑप्शन बेटा 17 का, बी, कितने लोगों को नहीं याद है बेटा, कितने लोग गलत बता रहे हैं ऑप्शन, बट नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई फिक्स नहीं थी, अभी यहाँ बैठे हुए लोग गलत बता रहे हैं और यही होगा वहाँ, ट्विस्टेड अभी भी बता रहे हैं, ट्विस्टेड लोग बता रहे हैं, जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा, वैक्सिलरी वेल वॉल वेल वेट, ठीक, जस्ट टच इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसका ट्विस्टेड टच बट विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, सब लोग गलत की, इमरान कश्मीर में गुल खिला लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं, वेलवेट सीवी कैलोट्रॉपिस बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, याद है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है बच्चों, कह रहा है कि सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, गलत, पोटिनेशियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन
और स्टेराइल फिल्ट्रेट स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टामिनोड, जबकि स्टेराइल स्टामिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन होगा। एन एग्जाम्पल्स ऑफ इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, ये कौन बता रहा है? बताओ बेटा, देखते हैं आज तुम लोग बताओ ये कौन बता रहा है। ये वाला बता देगा जो उसको इनाम दिया जाएगा। इसका बताओ 19 का करेक्ट। अच्छा थोड़ा लेट होता है इन लोगों का रिप्लाई। ये बता दो बेटा फटाफट बताओ। फोर्थ। अच्छा यानी सब ठीक ठाक मामला है सबका। अंदर पड़ा जमी के तू जख्मी कलाई है, चिल आया दौड़ता 19 का 3 स्वीट पोटैटो। गए एक लोग गए। मैथिली भी गई, मैथिली भी गई और आलम खुर्शीद भी गए, इरफान भी गए, डॉक्टर राम प्रताप मिश्रा भी गए और शिवानी धोती भी गई। सब बताओ यही सब होता है। इतना आसान सवाल जो है तुम लोग पट्टी कर दिए इस वाले में तुम लोगों ने। हैं चलो आओ ये वाले में देखो। एग्रीगेट्स फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गायनोइशियम होगा या मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोइशियम? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कौन सा होगा बच्चों? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोइशियम। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, बताओ नॉन एल्ब्यूमिनस कैसे बताया था? क्या बताई थी निमोनिक्स? ग्रुप ग्राउंड भी नहीं और आल बीएमडब्ल्यू कार इन सन। किसी को याद आ रहा है? बताए बेटा ये सब तो बताया। अगर नहीं अप्लाई कर पाओगे तो कब अप्लाई करोगे? हाँ नॉन एल्यूमिनस कौन होगी? पी होगी, ठीक। नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, कितने लोगों को याद आ रहा है? नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, ठीक। चलिए बताइए ये सवाल अच्छा है। एमंग बिटर गुड मस्टर्ड ब्रिंजल पम्पकिन चाइना रोज ल्यूपिन ककम्बर सन हेम ग्राम गुआवा, इसमें तो बच्चों बेहोश हो जाओगे, ठीक है। बीन चिली प्लम पिटूनिया टोमेटो रोज, हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर? हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा? हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओरी होगी या इन्फीरियर ओरी? सब बेहोश है। हाइपो मतलब नीचे, गायनोइशियम से सब नीचे यानी ओवरी हो जाएगी ऊपर, तो कौन सी ओवरी हुई है? सुपीरियर ओवरी। अब बताओ सुपीरियर ओवरी हर फैमिली के अंदर थी? सुपीरियर ओवरी तुमने पढ़ा था बच्चों हर फैमिली के अंदर थी, हर फैमिली के अंदर सुपीरियर ओवरी मिली फसल। तो ये सभी में अगर तुम देखो सभी के एग्जांपल कितने हैं टोटल गिन डालो जरा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, टोटल बच्चों 15 है। इसको तुम लोग रट लेना, हम लिखवा नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। इसमें हाइपोगाइनस में जो आते हैं बेटा, पम्पकिन हो गया, ककम्बर हो गया, गुआवा हो गया, पलम हो गया, ये सब हाइपोगाइनस होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल होते हैं। बेटर गुड हो गया, है ना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे लिख दें हाइपोगाइनस पम्पकिन ककम्बर बेटर गुड, ठीक, गुआवा गुआवा, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं 6 एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, ठीक है ना। पलम हो गया, रोज हो गया, ठीक, चार ये हुए।
पलंग और रोज, ये छह एग्जांपल हाइपोगाइनस को होते हैं। तो कितने हो गए 15 टोटल, याद रखना इसको। ये वाला बताओ, किसी ने जवाब ही नहीं दिया था, कह रहे हम नहीं देंगे। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में बताओ बच्चों टीनोमार्फिक होगा या अंदर पड़ा जमी के तो जख्मी कलाई है। चिल्लाया, चिल्लाया नहीं, चाइना रोज चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई है, तो चाइना रोज किसका एग्जांपल हो गया, एक्टिनो मार्फिक का एग्जांपल हो गया। और बताइए चाइना रोज किसका एग्जाम, और ये तो एक्टिनो मार्फिक हो गया, तो यानी ये दो ऑप्शन तो तुम्हारे कट गए बच्चों, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे एक है ट्विस्टेड, यहाँ पे है एक वेलवेट। अब तुम बताओ लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं, तो हो गया ट्विस्टेड। बस इससे तुम्हारा सही हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ना, समझ गए। चलिए बढ़िया सवाल था ये। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन मेज कोकोनट ग्राउंडनट ग्राम, कोकोनट का कितने लोगों ने किया है, थिन पाए हो थिक, कभी खाया है कोकोनट मतलब खुद फोड़ के, हाँ कैसा था, थिन था या थिक था। नॉट थिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, थिक की बताना है हमें, है ना, कभी खा के देखना समझ में आ जाएगा। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म क्या है बच्चों, रेमनेंट्स ऑफ इंडोस्पर्म, रेमनेंट्स, ठीक, यानी हैविंग नो रिजर्व फूड, बीइंग अ डिप्लॉयड, बीइंग अ डिप्लॉयड, डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म इन। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म में क्या होता है बच्चों, रेमनेंट्स होता है, इंडोस्पर्म में नॉट रेमनेंट्स, तो क्या हो जाएगा 25 का सेकेंड, ठीक, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म इन हैप्लॉइड, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में तो रिजर्व फूड नहीं होता, लेकिन पेरिस्पर्म में क्या होता है, होता है बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, ये भी नहीं, ये ट्रिप्लॉइड, बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, मेरे ख्याल सेकंड जाना चाहिए, थर्ड, बताइए बच्चों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरे ख्याल से जो है सेकंड जाना चाहिए, और आप लोग बताइए, सब सेकंड ही दे रहे हैं, थर्ड, थर्ड कुछ लोगों ने दिया है, फिफ्थ, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, यहाँ पे उन्होंने हैविंग रिजर्व फूड है ना, तब होता जो है सर 333 होगा, नहीं नहीं एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, इस बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक, आओ आ गया। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज क्या होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्यों, चलिए चाइना हाई बहुत आया ना, साइमोस इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, साइमोस पढ़ा होगा आपने, और क्या पढ़ा था बच्चों, रेसिमोस, 27वां का आपको जो है थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, क्यों, कौन सा होगा बच्चों, सोलैनम, सोलैनम। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल फ्लावर्स, मेनी फ्री पिस्टिल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एपोकार्पस है, एपोकार्पस का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, रोज, उसको चेक कर लेना, रोज लूटता था एपोकार्पस को, मैं एपोकार्पस को रोज लूटता था एपोकार्पस को, मैं यानी बच्चों माइकेलिया, कौन सा जाएगा, माइकेलिया जाएगा। अभी डाउट किस में था, यहाँ पे देखो, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म, ठीक है ना, जो ये इंडोस्पर्म होता है बच्चों ये 3N होता है, और ये पेरिस्पर्म जो होता है
ये 2n होता है, ठीक है ना। और जो पेरिस्पम होता है, पेरिस्पम इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नो रिजर्व फूड मटेरियल, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन जाएगा, नॉट सेकंड, थर्ड जाएगा, थर्ड। किसी ने बताया था, अच्छा बताया था, मयंक या किसने? वरीरा ने बताया था, ठीक है ना। डिप्लॉइड होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? डिप्लॉइड, इसको याद रख लेना। ये आगे पढ़ाएंगे अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है ना। रेमनेंट्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल पेरिस्पर्म कहते थे। इसका एग्जांपल क्या था बच्चों? ब्लैक पेपर, है ना, ठीक। चलिए कहाँ आ गए थे हम लोग? हाँ, वन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड अगेन हैव बोथ माउथ एंड एनस, किस? फैशियोला होगा। रिपीट क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। ये भी रिपीट है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिपल ब्लास्टिक, ऐसे ही अगर पेपर में जाओगे लगा के, वही तो कह रहे थे। और पिछले में 28 भी गलत किया है, 28 नहीं 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 28 चेक कर लें, कैसी बात कर रहे हो। सही है, रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं यानी माई खेलिया, पपावर में सिंह कार्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल ट्रिपल हो गया था, ठीक है ना। इसमें क्या था बच्चों? कौन फ्लैट वर्म है, यहाँ है प्लेटी हेलमेंथीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बताइए बच्चों। जिंजर, सकर, कैलेमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट, जूस्पोर, करेक्टली मैं अनियन, बल्ब, है ना। और बल्बिल किस में होता है? बल्बिल किस में होता है बच्चों? अगेओ में, ठीक। अच्छा, एनिमल किंगडम का, ठीक है बेटा, चेक कर लेंगे, बिल्कुल चेक कर लेंगे, ठीक। आमिर, हाउ मेनी प्लांट्स लिस्ट गिवन बिलो कंपोजिट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस, कितने इसमें है बच्चों जो डेवलप होते हैं किससे? इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। 30 की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ठीक है ना, ठीक। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? 3 है, ठीक। इसमें फिग है, पाइनएप्पल है, और कहाँ गया? मलबेरी। ये 3 होते हैं बच्चों, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। इसको देखिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है और ये 12 में आया था, तो पहले क्योंकि ये सब सवाल जो है आते थे, थोड़ा सा मिक्स था दोनों से, इसलिए, ठीक है ना। और कोकोनट वाटर ऐसे ही तैयारी होनी चाहिए, देख रहे हो ना, जब तक नहीं होगी। कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इक्विवेलेंट टू, बताइए। एंडोस्पर्म, बताइए। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली फेबेसी फैमिली, सबको पता होगा। फिलोड प्रेजेंट इन, बताइए बच्चों, फिलोड पाया जाता है बच्चों एस्पैरागस, मुझे तो एस्पैरागस लग रहा है, एस्पैरागस में पाया जाता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, सही कह रही यार, तुम तो पढ़ के आई हो क्या? फिलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, पढ़ के आई हो लग रहा है। आओ, विच अनदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीड ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म प्लेसेंटेशन, प्रिमरोज इज बेसल, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, यही बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका।
आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर रिप्रेजेंट करता है एक्सिलरी बड को, किसको? एक्सिलरी बड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही आमिर। फ्लावर्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक में क्या था बच्चों? कैसे बताया था निमोनिक्स? पी गुलमोहर बीन कैशिया, कौन सा होगा? गुलमोहर होगा। बिना गुलाब के प्यार कैसा? जेड से कोई भी नाम ले सकते हो, जफर या कोई भी नाम ले सकते हो। अ ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप कहाँ डेवलप होता है? कोकोनट और मैंगो, कोकोनट और बच्चों मैंगो में, यानी फोर्थ ऑप्शन। और इज हाफ इंफीरियर फ्लावर्स इज, हाफ इंफीरियर का मतलब हम लोग कह सकते हैं हाफ सुपीरियर। पेरिगायस प्रेग्नेंट प्लम पे रो रही है, क्या होगा? पीच। कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, बताइए। कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, ठीक है ना? कौन सा होगा फोर्थ? 39 का कौन सा जाएगा बच्चों? फोर्थ जाएगा। यूनिलोक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल प्लेसेंटेशन इज, कौन सा होगा बच्चों? बेसल प्लेसेंटेशंस कहेंगे, क्लियर? टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंडोशियम फ्लावर ऑफ चाइना रोज, चाइना रोज बताओ बच्चों। मोनू चाइना के डान पर, मोनू चाइना, मोनू चाइना यानी मोनोडेल्फस, डायडेल्फस का क्या था बच्चों? डान पे पी, पॉलीसिडिक यानी साइट्रस, पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल याद आ रहा है, मोनू चाइना के डान पे पॉलीसिडिक। अब ये बता दो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फटाफट। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ द बच्चों, मैचुरेशन रीजन, जल्दी जल्दी बोलना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हार्डवुड, हार्डवुड जो होती है बच्चों वो कहाँ पे पाई जा रही थी? सेंटर में पाई जा रही थी, थिक हो गई थी क्योंकि टार्गो का डिपोजिशन था, टार्गो का डिपोजिशन था, टैनिंस था, एरोमेटिक सब्सटेंस है, गम्स था, ऑयल था, ठीक है ना? इन सब का डिपोजिशन होने की वजह से ये क्या करती थी? कंडक्टर नहीं थी वाटर का, वाटर कंडक्शन नहीं कर पाती थी। तो कंडक्ट्स, इट कंडक्ट्स वाटर्स एंड मिनरल इफिशियंटली, हाईली ड्यूरेबल डेड एलिमेंट्स एंड हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिट। रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग कौन सा है बच्चों? कह रहा कि कंडक्ट वाटर, एकदम गलत है कि नहीं? ये कंडक्शन कहाँ करती है वाटर का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स से बना है बच्चों कौन? जाइलम परिंगियम, कोलेनकाइमा, फेलेम, कौन बच्चों? फेलेम। वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव्स टू, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाती है बच्चों? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिलोडम, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गॉड सेल इज कॉल्ड, उसकी सहायक सेल्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल, कौन सी सेल? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल द टाइलोसेस ओरिजिनेट्स इन ल्यूमन ऑफ सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैप वुड एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पेरिकाइमा सेल्स इनटू ए सेल्स, ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? सैप वुड का, किसका? सैप वुड। मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है, 6 का सेकंड होना चाहिए, क्यों शायदा? थर्ड, कितने लोग कह रहे हैं थर्ड? 6 का थर्ड, 6 का थर्ड मान लेते हैं, बहुत सारे 6 का सेकंड। मोनोकॉट स्टेम सेकंड देख लेंगे अभी, इसको अभी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? सेकंड हमारे ख्याल से आना चाहिए। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में पाया जाता है बच्चों? ये है कॉर्टेक्स, ये क्या है कॉर्टेक्स? ये है बच्चों एंडोडर्मिस, इसके बाद ये होती है स्टील, तो बताइए एपिडर्मिस एंड स्टील आउटर लेयर इसकी क्या हो जाती है? ये होती है बच्चों एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस है ना, और ये हो गई स्टील, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? पहला ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग ऑर्डर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आउटर टू इनर हम लोगों को अरेंज करना है, कहां से? आउटर से लेके इनर तक। ठीक, चलिए बताइए आउटर में क्या होगा बच्चों। सबसे आउटर कॉर्क पढ़ा है, कॉर्क जिसको हम लोग फिल्म कहते हैं, फिल्म को ही क्या कहते थे? कॉर्क। इसके बाद बच्चों आएगा कौन? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देन बच्चों सेकेंडरी फ्लोएम, याद आ रहा है? इसके पहले अगर बात करें तो क्या आएगा? प्राइमरी फ्लोएम है ना, वैस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, याद आ रहा है? बताइए, पूरा बता दिया। तो कौन सा जाएगा बच्चों? अब आउटर देखो कॉर्क है यानी फोर्थ, और सबसे अंदर वुड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं बच्चों वुड को। ठीक, तो उसके बाद एकदम अंदर अगर पोर्शन में देखें हम लोग सेकेंड, अब यहां भी और यहां भी, ये दोनों जगह पे है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स पहला, पहला यहाँ, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन था, कितने बच्चों ने सही बताया है? गजनफर ने सही बताया है, श्रीवास्तव अर्शीश अंशी श्रीवास्तव ने भी अच्छा बता दिया, मयंक चौरसिया ने भी सही बताया है, बाकी लोगों ने गलत बताया है। यू आर गिवेन फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। बताइए डाइकॉट स्टेम और रूट में अगर आपको पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाएंगे? किसके बेसिस पे? जाइलम के बेसिस पे, सेकेंडरी फ्लोएम के, प्रोटोजाइलम कॉर्टिकल सेल्स के बेसिस पे। आप बच्चों लगाएंगे किसके? कोई नहीं बोल रहा है, प्रोटोजाइलम की। ये रूट है और ये है बच्चों स्टेम। अब बताओ रूट में क्या होता था? एक्सार्च। और स्टेम में क्या होता था? इंडार्च। किसके बेसिस पे पढ़ा था? प्रोटोजाइलम पेरीफ्री, मेटाजाइलम सेंटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम हम लोग पता लगाएंगे। स्पेलिंग से स्पेलिंग मिल गई, एक्सार्च रूट में, यानी प्रोटोजाइलम पेरीफ्री पे हो, मेटाजाइलम मिडिल में हो यानी सेंटर में हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्सार्च कंडीशन है, तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पे हम लोग पता लगा लेंगे। अच्छा सवाल है। ट्रैकीट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इज, पहला है हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बींग इम्परफोरेट, लैकिंग न्यूक्लियस, बींग लिग्निफाइड। बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा? बींग इम्परफोरेट क्या होगा? ट्रैकीट्स टेपर्ड होती है, कितने लोगों ने ये डायग्राम देखा था? ये टेपर्ड होती है, लिग्निफाइड होती है, इलांगेटेड होती है, टिल्ट होती है, ट्यूब लाइक होती है, तो इसके साइड साइड से क्या होता है? ऐसे ऐसे पानी जाता है। ठीक, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, बताइए जाइलम पैरेन्काइमा से डेवलप होती है या एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल या मेडुलरी रेज? मेडुलरी रेज। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग, नंबर ऑफ एनुअल रिंग के बेसिस से बताएंगे। कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट होते हैं बच्चों? कॉर्क फेलोजन जनरेट करता है, ऊपर की लेयर कॉर्क बनाती है, अंदर की लेयर बनाती थी, आपने पढ़ा था फिल्म, फेलोजन और फेलोडम मिला के सभी को पेरीडम कहते थे। बताइए कंपेनियन सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द, दोस्ती किसके साथ करती थी? सीव एलिमेंट्स के, सीव एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं था, दोस्ती कंपेनियन सेल से करता था। वाटर कंटेनिंग केविटीज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, वाटर कंटेनिंग केविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन सनफ्लावर, मेज, साइकस, पाइनस, किसमें पाई जाएगी बेटा? फटाफट बताएं, सनफ्लावर के अंदर, किसके अंदर? सनफ्लावर के अंदर।
रटना पड़ेगा ये वाला बेटा। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है एक ओपन होता है, अगर ओपन है तो हम लोग कहेंगे कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम नहीं पाई गई तो हम लोग क्या बोल देंगे, कैम्बियम। ठीक, कोड याद होगा, कॉर कैम्बियम कॉर सेकेंडरी कॉर्टेक्स कलेक्टिवली नॉन एज क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिडम बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, ये है बच्चों जाइलम और फ्लोएम। ठीक, इसको छोड़ दो, आउटर लेयर एपिडर्मिस को छोड़ दो, ये जितना पोर्शन है, ये बीच वाला जितना पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, बताइए चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जाइलम। अब जाइलम के अंदर क्या क्या पाया जाता है बताओ, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल एब्सेंट, फ्लोएम में कंपेनियन, सीव ट्यूब्स और कुछ नहीं पढ़ा, कंपेनियन सेल्स। अब यहां पे देखो चीफ वाटर कंडक्टिंग जाइलम इन जिम्नोस्पर्म तो क्या होगा बच्चों, ट्राइकीट्स होगा, ट्राइकीट्स पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लेटरल स्टेम, लेटरल नहीं है बताइए, इंट्रा फेसिकुलर, इंटर में फंसी चॉकलेट से, इंटर कैलरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है। हार्ट वुड डिफर फ्रॉम सैप वुड इन, बताइए बच्चों, डेड एंड नॉन कंडक्टिंग थर्ड ऑप्शन। अब कौन सा आ गया बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसने बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं आपके अर्थवॉर्म से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट दी करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन पूछे गए थे तो हम बता दे रहे हैं, अब नहीं आएंगे। तो बच्चों इसमें टेस्टिस, वासाइफ्रेंशिया, किडनी, देन बिडर्स कैनाल, देन यूरोजेनिटल डक्ट, देन कोलोकिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉग हर्ट is taken out the body continuous beer for some, beat for some time, select the best option for the following statement। तो heart इसका क्या होगा बच्चों, myogenic and heart is auto excitable, तो कौन सा option होगा, fourth option। which type of tissue correctly match with its location, areolar tissue, tendon, क्या सही है, tendon क्या होते हैं, disc regular और irregular पढ़ा है, रेगुलर के एग्जाम्पल होते हैं, डेंस डिस्क नहीं, डेंस रेगुलर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मूथ वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, कौन सी सही बच्चों, ये कॉलमनार होगी है ना, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लड ऑर्डर में पाई जाती है, ठीक है ना, तो कौन सा जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना का मतलब काकरोच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, काकरोच की। कह रहा है कि इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ नाग, मेटामेरिकली सेगमेंटेड शाइजोसीलम, यानी क्या होगा बच्चों, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज, ये गलत ऑप्शन है। इन मेल काकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस पार्ट में स्टोर होता है बच्चों, तो सेमाइनल वेसाइकल्स में। बॉडी सेल्स इन काकरोच डिस्चार्ज द नाइट्रोजनस वेस्ट द हीमोलिफ मेल इन द फॉर्म ऑफ, किसके थ्रू करते हैं बच्चों, माल्फिजियन बॉडी होती है, क्या होता है, और ये जो रिलीज करते हैं बच्चों सोडियम, सोडियम यूरेट एंड पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, यही उसके बाद जाके बनाते हैं यूरिक एसिड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, गैप जंक्शन क्या करता था, एक सेल ये दो सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट किया, ठीक है ना, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स, गलत, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म टू द रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन मॉलिक्यूल्स, यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ, यहाँ के यहाँ, यानी कौन सा जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन।
चूज दी करेक्टली मैच्ड पेयर. करेक्टली मैच्ड पेयर टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन होते हैं? लिम्फ, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, है ना. एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल आप लोग बताइए फटाफट. टेंडन और बोन, डेंस कनेक्टिव, डिस्क एरियोलर, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा बच्चों? थर्ड. चूज द करेक्टली मैच पेयर, फटाफट बताइए बच्चों. इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड सिलिएटेड एपिथेलियम, गलत. मॉइस्ट सरफेस बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स स्क्वैमस एपिथेलियम. कौन सा जाएगा? किडनी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. वॉट एक्सटर्नल चेंजेस विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ. कितनी बार मोल्टिंग होती है बच्चों? 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है. एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके विंग्स और हाइंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, आंसर जरूर दीजिए. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो रिस्पेक्ट टू द पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है. तो यहाँ पे बताइए, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाई अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल. देर आर 16 वेरी लॉन्ग मालफियन. करेक्ट पूछा है ना, ये भी देखो गलत है. 16 नहीं, कितने होते हैं? 50 to 100. कुछ नहीं पता. ग्राइंडिंग ऑफ फूड कैरिड आउट बाय द ओनली माउथ पार्ट्स, ये भी गलत. ठीक है ना, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल. स्टाइल किसमें पाया जाता है? मेल में. ठीक है ना, नर्वस सिस्टम लोगे डॉर्सल, डॉर्सल नहीं वेंट्रल होता है. तो कौन सा होगा बच्चों? 11 का सेकंड ऑप्शन. बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं. सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर नॉन टू. बताइए सिलिएटेड कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जहाँ जहाँ मोमेंट हो रहा है. मोमेंट कहाँ हो रहा है? रिस्पायरेटरी पैसेज में हो रहा है और रिप्रोडक्टिव पैसेज में. तो ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब. काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम. कौन सी होगी? सैक्स ऑफ लंग्स, ये सब में, एल्विलाई में. ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स स्टोमे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर वॉल्स डिक्रीज द टर्जिडिटी ऑफ द गॉट सेल्स. जबकि डिक्रीज होगी अगर टर्गर प्रेशर तो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा. ठीक. रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गॉट सेल्स. कौन सा होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन. रेडियल बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट लॉन्गिट्यूडनल. कौन सा होगा? रेडियल होगा बेटा. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो होगा. ये वाला बता दो. वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग. थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. रीजन आउट द अबव स्टेटमेंट द फॉलोइंग. भाई जाहिर सी बात है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है, एक साथ दो काम हो जाएंगे, है ना. तो क्या है कि बोथ प्रोसेस कैन बी हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट. अबव प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट ओपन. जबकि कौन सा होगा बच्चों? ठीक, पहला ऑप्शन. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैप वेयर कलेक्टेड अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाय सूटेबल मेथड सैप वाज टेस्टेड केमिकली. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ. फ्लोएम सैप. फ्लोएम सैप की अगर बात हो रही बच्चों तो आपने पढ़ा ही था कि ग्लूकोज. फ्लोएम सैप क्या लेके जाता है? फूड. ग्लूकोज. ग्लूकोज से किसमें चला बच्चों? सुक्रोज. सुक्रोज से स्टार्च. अब ये लोग क्या होते हैं? पीएच इनकी बच्चों पीएच 7.4 होती है, यानी ये क्या होंगे? एल्केलाइन नेचर होगा इसका. जबकि जाइलम का क्या होता है? एसिडिक होता है. क्या होगा बच्चों? एल्केलाइन. ये डिस्कस हो चुका है. रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू एक्टिव एब्सॉर्प्शन. एक्टिव एब्सॉर्प्शन इज ड्यू टू कैटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ रूट. ठीक है ना, गट्टेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर. पढ़ा होगा सब. लिक्विड लॉस ऑफ वाटर सब पढ़ाया था.
कॉलम ऑफ वाटर विद इन द जाइलम सेल्स ऑफ टाल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, की वजह से बच्चों ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। कास्ट पढ़ाया था, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव एडहेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये तीन फैक्टर बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा बच्चों सही नहीं है। रिक्वायरमेंट अब मैंने बताया था 4S, सेलेक्टिव हो, सेंसिटिव हो, स्पेसिफिक हो और सैचुरेट हो। और ये क्या होगा, पैसिव है। अगर ये पैसिव है बच्चों तो क्या कहेंगे हम लोग, डाउन हिल या अप हिल, कोई नहीं बताएगा आज, डाउन हिल कहेंगे। तो कौन सा दिया है यहाँ पे, अप हिल दिया है, यही हो गया भैया गलत। इन लैंड प्लांट्स गॉड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, बताइए गॉड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मिनरल न्यूट्रिशन। सेलेक्ट द मिसमैच, फ्रेंकिया, एलनस, एनाबिनन, हाइड्रोजन फिक्सर, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, और क्या क्या होता है, अल्फा अल्फा, क्लोवर बीन, है ना, कास बीबी, कास एलजी बीबीसी पर बोलता, याद आ रहा है, कास एलजी बीबीसी पर बोलता, रोडो इस बारे में माइकोराइजा कह रहा है, यही क्या हो गया बच्चों गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या बताया था, कौन पी के मग से काफी, एफ क्या है, ये ब्रिज एलिमेंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो अब इसमें देखो, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, एक भी नहीं है, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इसमें तो दो, एक है सिर्फ ना। अब इसमें देखो सेलेक्ट करना है कौन सा सही जा रहा है, इसमें एक है ना। अब इसमें देखो क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, बोरान, जिंक, मैग्नीज में कोई नहीं है, तो कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। ये नहीं कि हजरसन ने निकल नहीं बताया है, कि हजरसन ने निकल नहीं बताया है, दिमाग लगा, थोड़ा बुद्धि लगा, सही कर दोगे। विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप, ग्रोथ ऑफ रूट टिप, कौन सा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कौन मैटर, सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है भैया, सेल डिवीजन वही होगा रूट टिप पे, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा कौन, कैल्शियम, कैल्शियम हेल्प करेगा। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिव ऑफ द नाइट्रोजिनेज बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई, ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता था, बैक्टीरिया इसके अंदर बैठा हुआ था, रॉड शेप था, ये क्या बना लिया था लेयर, लेग हीमोग्लोबिन की, तो पहला हो जाएगा। डिफिशेंसी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, जब कोई लीफ मरने वाली होती है तो अपना सारा का सारा मिनरल्स डोनेट कर देती है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, सेनेसेंट लीव्स पे आएगा, लेकिन अगर ना मोबाइल हो, डिफिशेंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनेसेंट फेज, अगर ये मोबाइल नहीं होंगे, अगर मान लीजिए ये नहीं मोबाइल हुए तो कहाँ आएगा सबसे पहले, फिर यंग लीव्स पे आएगा। ये लाइन लिखी हुई बहुत जबरदस्त लाइन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया, क्या बच्चों एकदम लास्ट की लाइन एनसीईआरटी की, यहीं पे छोटा सा लिखा हुआ है, उसको पूछा गया, देखो छोटे छोटे लाइन और किनारे से उठाते हैं लोग, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो ना। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बट भेजा दो तीन क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन और है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पैसिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एटीपी, सही कह रहा है क्या, कोई एनर्जी नहीं है, वो प्लास्ट प्लास्मोडेस्माटा पोटेशियम रेडली इमोबिलाइज्ड और ब्रोकन, क्या पूछे करेक्टली, बेकन ऑफ राइस रेडली एसको, नहीं, बेकन ऑफ राइस रेडली किसने किया था, किसकी डिस्कवरी में यूज हुआ था, स्कूग एंड मिल्लर ने, तो काइनेटिन किया था, जिब्रेलिन में यूज हुआ था, जिब्रेला फ्यूजी कुरावा, तो कौन सा होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल. अब बताओ कौन फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है. माइकोराइजल एसोसिएशन में पढ़ाया था जीनस क्या होता है, ग्लोमस. फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रोट नोड्यूल्स ऑफ लिगम इज क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिमूवल. नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया, रिड्यूस नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स. याद आ रहा है, नाइट्राइट नाइट्राइट्स नाइट्रेट बताओ बच्चों फटाफट. ये एन एच फोर प्लस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट बना, नाइट्राइट नाइट्राइट से नाइट्रेट. बताइए इसमें बैक्टीरिया का नाम बताइए. नाइट्रो सोमोनास और नाइट्रो कोकस. यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया बच्चों, नाइट्रोबैक्टर. इसी नाइट्रोजन को दोबारा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन दो बैक्टीरिया कराता है, एक का नाम होता है थियोबैसिलस, दूसरे का नाम होता है स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास याद आ रहा है बेटा. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लांट्स नॉट रिमोबिलाइज्ड, ठीक है ना. तो कैल्शियम कौन सा होगा बच्चों, कैल्शियम होगा. अगर दो पूछे तो कैल्शियम सल्फर दोनों लगाना, एक पे लगाना है तो कैल्शियम को लगाना, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के पार्ट हैं. इस वजह से नहीं, नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. तो अब क्या हो, यहाँ तो गाड़ी हो गई फस. कॉर्न पी के मग. अब मग आ गया तो वहीं मग कर दो, मैगी है ना, मैग्नीशियम. आई एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोनू क्या बताया था, मोनू मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है. कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स, बताइए पैडी फील्ड्स में बच्चों कौन है कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर. हाँ एजोला होता है, ठीक है ना, और एजोस्पाइरिलम. एजोस्पाइरिलम हाँ हाँ एजोस्पाइरिलम होता. चलो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं. बाकी हम लोग अगले सेशन में सिक्स चैप्टर कवर करेंगे पिछले संडे को, ठीक है ना बच्चों. तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फोटोसिंथेसिस से अगले संडे में कवर करेंगे, ठीक है ना बच्चों. तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बच्चों.